हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोरिन्स रेसिपीज। दिस इज लोरिन और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलोवेरा जूस निकालने का सही तरीका बताऊंगी, जो कि बालों पे लगाने से ये मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। बहुत ही जरूरी मेडिसिनल प्लांट है। इसके कई फायदे है। ये हमारी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, जैसे कि सनबर्न, रिंकल्स। इसे पीने से हमारी कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न और कई शारीरिक तकलीफों को दूर करता है। अगर एलोवेरा को छोटे शब्द में कहा जाए तो ये हमारी उम्र की आयु को बढ़ाने का काम करता है। पर क्या आप जानते हैं, इसमें टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसे एलोइन कहते हैं। इसे निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एलोइन हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। If you like my video, so please like, subscribe and don't forget to press the bell icon. ये है मेरा एलोवेरा प्लांट। अब मैं इसकी एक लीफ को नीचे की तरफ से काट के धीरे से खींच के निकालूंगी, इस तरह से। ये देखिए, ये पीला जो निकल रहा है ये है एलोइन। अभी इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसे एक साफ पानी लेके इसे पानी में डालना है। ये देखिए इस तरह से, और इसे सीधा खड़ा रखना है। एक घंटे के लिए हम इसे पानी में रखेंगे और इसका जितना पीला है एलोइन वो पानी के अंदर आ जाएगा। एक घंटे बाद ये देखिए पानी का रंग पूरा पीला हो गया है। इस तरह से निकालना है। ये देखिए, इसे निकालना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये पानी है पूरा पीला हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। अच्छी तरह से धोके इसे साफ करना है। अब इसके निचले हिस्से को हमें काटना है। पहले ये रहा नीचे का हिस्सा है, इसे हम काट देते। अब इसके साइड की जो दांत जैसे दिख रहे हैं आपको, इसे भी निकाल देना है। इसे छुरी की सहायता से हम काट के फेंक देंगे। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से निकाल के फेंकना है। ये मैंने निकाल दिया। अब इसका आधा टुकड़ा करके इसे बीच में से काटूंगी क्योंकि ये लीफ बहुत बड़ी है। अब इसके छिलके को निकालना है क्योंकि हमें इसका जेल, अंदर का जो जेल है उसे बाहर लेना है, तो उसके लिए हमें छिलका निकालना होगा। हमें इस छिलके को अच्छी तरह से निकाल के साफ करना है। अगर हम अच्छी तरह से साफ करके नहीं निकालेंगे फिर बाद में हमें जूस कड़वा लगेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि छिलके को अच्छी तरह से साफ करके सिर्फ उसका जेल ले। ये देखिए, ये पूरा जेल हमें मिल चुका है। अब इसे धो के अच्छी तरह से इसके टुकड़े कर देंगे। छोटे छोटे टुकड़े करना है। इसे मैं एक मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लूंगी। पानी नहीं डालना है, सिर्फ इसे जेल को इसी तरह से पीसना है। ये देखिए, ये मेरा एलोवेरा जूस तैयार है। ये मेरा एलोवेरा जूस रेडी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय मम्मास वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन।